गुजरात की राजनीति को करीब से जानने वाले शंकर सिंह वाघेला का दावा है कि गुजरात में जीता हुआ मैच कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। पहली वजह राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की गलत रणनीति है। ये जो है एक इवेंट मैनेजमेंट है भारत जोड़ो वाला, अच्छा हो रहा है तो मैं इनको कहता कि आइए कुछ दिनों आप हिमाचल में यात्रा निकालिए और हिमाचल के बाद सीधे गुजरात में यात्रा निकालिए। वाघेला यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि गुजरात में कांग्रेस आना ही नहीं चाहती। 17 में तो 100% सरकार बनने वाली थी, मैंने कहा 17 में सरकार बनेगी, जो विधायक जाते हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में रोकिए, हमको ऑफिशियली कहा गया कि जाने दीजिए बीजेपी में। ये जो मामला है ना, इसका मतलब है कि आपको गवर्नमेंट नहीं बनानी है। वाघेला का आरोप है कि गुजरात में दोनों पार्टियों में मैच फिक्सिंग होती है, जिसका शिकार वो खुद दो बार हो गए और वाघेला के मुताबिक इस बार भी कांग्रेस ने होमवर्क नहीं किया। अभी भी होमवर्क नहीं होगा, अभी भी चुनाव आने वाला है, कौन क्या करेगा वो तय नहीं होगा, तो रिजल्ट कैसे आएगा।